भागलपुर के कोतवाली पुलिस की दबंगई कैमरे में कैद हो गई, जब कोतवाली के एसआई ने मोटरसाइकिल सवार को चेकिंग के दौरान थप्पड़ जड़ दिया। वहीं एक बुजुर्ग स्कूटी सवार को हाथ उठाकर पीटने की कोशिश की, जिस पर काफी समय तक आम लोगों के द्वारा पुलिस के इस रवैये को लेकर बहस हुई। दरअसल थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक के पास पुलिस मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चला रही थी, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक हेलमेट लटकाकर आ रहा था। इसी दौरान पुलिस वाले ने उससे रोका और जब युवक एसआई साहब का पैर पकड़कर छोड़ने की गुहार लगा रहा था, उसी दौरान एसआई ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं युवक का कहना था कि उसके पास गाड़ी के सभी कागजात मौजूद थे और वह हेलमेट नहीं पहनने की गलती को लेकर पुलिस से गुहार लगा रहा था, लेकिन वर्दी के हनक में एसआई ने थप्पड़ जड़ दिया। वहीं एक बुजुर्ग जो अपने आप को वैज्ञानिक बता रहे थे उन पर भी हाथ उठाई थी, जिसके बाद वह आग बबूला हो गए थे और पुलिस के साथ जमकर बहस की। वहीं इस घटना के बाद एसआई का कहना है कि उसने थप्पड़ नहीं मारा, जबकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती है और तस्वीर में साफ तौर से देखा जा रहा है कि युवक पुलिस वाले ने पीटा है। कुछ दिन पहले ही कोतवाली पुलिस का चेकिंग अभियान के दौरान वसूली करते वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जाट वरीय पुलिस अध्यक्ष नीतीशा गुड़िया जांच बैठाई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अब देखना है कि दिन दहाड़े चेकिंग के नाम पर लोगों की पिटाई करने वाले एसआई के खिलाफ आला अधिकारी क्या कहते हैं। दिक्कत तो यही है कि हेलमेट जिसको नहीं रहता है उसको रोकते हैं, उसके बाद मतलब कागज देखते हैं ना, इसी पर फाइन होता है हेलमेट और कागज का। मार हाथ पीट मारपीट क्यों कर रहे हैं? मारपीट नहीं करते हैं, हमको तो अभी मारे हैं, अभी मारे हैं। गाड़ी पकड़ने जो गाड़ी पकड़ाया है यही छुड़वाने के लिए ये झूठ बोलता है, मारे हैं अभी। वो भी उसके साथ भी कोई दुर्व्यवहार मैं नहीं किया हूँ। भाई जब गाड़ी को रोके और मतलब कहे की आप आपको कागज है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऐसा है नरेंद्र राम। पूछ नहीं सर, हेलमेट मेरे पास है। हाँ, जबरदस्ती अथी करके अथी की है। हाँ, हेलमेट खोले बस पहने हमने लगा था अथी खोले और पहने मेरे पास हेलमेट कर रहा है। मारे भी हमारे काहे मांग रहे कि हमारे पास कुछ है ना, जब प्रूफ दिखाते हैं हमको मार रहे हैं। क्या नाम है? संतोष विनोद कुमार। कहाँ घर हुआ? बोनरचर। इस भारत के सबसे टॉप साइंटिस्ट को 7 अवार्ड लिया, जापान में अवार्ड लिया है, एंड दिस मैन हैज डिड लाइक दिस। काहे? आई विल शो यू। जोहरत बकर द टॉप आईएएस ऑफिसर इज सिटिंग 3 आवर्स एवरी डे विद मी बाका। मिस्टर गुप्ता जी, क्यों आपके साथ ऐसा क्यों किया गया? सिर्फ हेलमेट नहीं है, अधिकार हाथ उठाने का दिया है। हम बाबू आपका नौकरी चला जाएगा शाम तक। क्या नाम हुआ? अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com। 55 इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाएं अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।